नमस्कार, इन्फोबक की फ्रेश अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। अभी तक की बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। टारगेट किलिंग पर श्रीनगर में गुटकार गठबंधन की बैठक, कहा प्रवासी कर्मियों को किया जाए सुरक्षित जगह तैनात। घाटी में एनआईए ने मारे छापे, टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई जारी। कश्मीर टारगेट किलिंग के खिलाफ लोगों का रोष जारी, श्रीनगर से जम्मू तक हो रहे प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग तो लौटा वापस। जम्मू कश्मीर के हवाला मामले में गिरफ्तार बाबू सिंह के घर समेत 12 ठिकानों पर एसआईए के छापे। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में लगी भीषण आग, मरीजों को बाहर निकाला, दमकल ने पाया काबू। हर साल 21 मई को मनाया जाएगा आतंकवाद विरोधी दिवस, गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को लिखा पत्र। जम्मू के कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जल्द लॉन्च करेगी ई कॉमर्स ऐप, अब व्यापारियों को समस्या होने पर 24 घंटे सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण ने जम्मू ट्रेनिंग सेंटर में योग वर्कशॉप आयोजित किया, योग को दिनचर्या में शामिल करने का प्रण लिया। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा म्युनिसिपल कमेटी का अध्यक्ष रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें, और खबरों के लिए देखते रहें इन्फोबग।